सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घरों में दुबके डरे सहमे लोग, दूर दूर तक सड़क पर फैली खामोशी, आसपास के सभी गांवों में सन्नाटा छाया रहा। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर अंडरग्राउंड हो गए हैं। बंद घरों में सिर्फ महिलाएं ही खिड़कियों से झांकती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बुलंद शहर में हुई हिंसा का साइड इफेक्ट है। अगर बात की जाए इस इलाके की, तो फिलहाल इस पूरे इलाका जो ये पूरा गांव है चिरांगटी गांव, इस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सुमित के घर के अंदर लोग जरूर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की दबिश की वजह से आसपास के गांव पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। और सुमित के परिवार वालों की अपनी दलील है, सुमित जो है वो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था और उसी दौरान ऐसा बता रहे हैं परिवार वाले कि वो अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए मार्केट में गया था, जब उसको गोली लगी। और सुमित को जब गोली लगी उसके बाद आसपास के जो गाँव के लोग थे वो ज़्यादा उग्र हो गए और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि जो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह थे उनकी भी जान चली गई। पुलिस की छापेमारी के चलते चिंगरावटी और पास के गांव में लोग डरे सहमे दिखाई दिए। उन्हें ये डर सता रहा है कहीं पुलिस उन्हें इस मामले में गिरफ्तार न कर ले। सिर्फ यही नहीं, वो लोग भी गांव छोड़कर चले गए हैं जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने देर रात यहां के कई घरों में दबिश दी। सिर्फ यही नहीं, महिलाएं ये तक आरोप लगा रही हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की है। कितने पुलिस वाले आए थे? जी करीब 15-20 पुलिस वाले। कितने बजे? जी 1-1.30 बजे का टाइम। कितनी देर रहे हैं? जी कम से कम आधा घंटा रहे हैं। वो आधा घंटा उन्होंने तोड़ फोड़ की है, हमने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने हमारे साथ भी बदतमीजी की। इस गांव में कई लोग हैं जो पुलिस पर उनके साथ मारपीट के आरोप लगा रहे हैं। बुलंदशहर हिंसा के बाद से मुख्य आरोपी तो फरार है, लेकिन पुलिस स्थानीय लोगों पर अपनी ताकत की आजमाइश कर रही है।